बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं मिर्चों की दो तरकीबें आपको शेयर करूंगी। जो एक ही साइज़ की ये मिर्चें ली हैं मैंने, और इसको अंदर से इस तरह बीज निकालनी है, कट कर लिया है इस तरह। ये सारी मिर्चें कर ली हैं, दो मिर्चें मैंने इसी छोड़ दी थी। इस तरह से कट लगा के और इसके बीज निकाल देने हैं इस तरह, इसके भी और इसके ये बीज इस तरह साफ़ कर देना, क्योंकि बाज़ वक्त बहुत तेज़ आता है और फिर मसाला भी हमारा बहुत कम इसके अंदर जाएगा। ये मिर्चें इस तरह साफ़ करके धो के रख ली हैं, और इसके अंदर जो मसाला है वो जाएगा। 3 टेबल स्पून इसमें साबुत धनिया लिया है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, और 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने ये अमचूर पाउडर या खटाई पाउडर कहलाता है ये लिया है, टाटरी पाउडर आधी से भी आधी, और नमक है ये मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। अब इनको मैं बिल्कुल बारीक पीस लूँगी, और फिर अगर आप और ज़्यादा खट्टा चाहें तो इसके अंदर नींबू भी शामिल कर सकते हैं। अगर टाटरी पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, ये नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ नींबू, धनिया, ज़ीरा और नमक बस। और ये 2 खटाई पाउडर अगर नहीं डालें तो इसकी जगह नींबू भी डाल सकते हैं। अब ये मैं ग्राइंडर में बिल्कुल बारीक पीस लूँगी, और फिर उसके बाद इसके अंदर भरूंगी। इसके अंदर मैंने थोड़ी सी 1/2 से भी 1/2 टीस्पून हल्दी शामिल की है, इससे थोड़ा सा कलर अच्छा आएगा। और ये थोड़ा थोड़ा सा कहीं से मोटा भी पिसा है, लेकिन ये है कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करूंगी और थोड़ा सा पतला कर लूँगी। ये मिर्चें बना के रख लें, और जैसे दाल चावल, खिचड़ी, तहारी, हल्की कोई चीज़ बनती है तो उसके साथ बहुत अच्छी लगती है। अब जो है मिर्चों के अंदर मैं ये भरती रहूँगी। ये बना के किसी जार में या प्याले में बंद करके और इसको फ्रिज में रखते हैं, जब इस्तेमाल की ज़रूरत हो इस्तेमाल करें। अब ये तेल गरम हो रहा है, इसके अंदर मैं सारी मिर्चें जो हैं डाल दूंगी, और फिर ये है कि सिर्फ 10 मिनट में ये सारी मिर्च तैयार होंगी। थोड़ा सा मसाला बचा है तो मैं ये ऊपर से ऐसे ही डाल दूंगी। तो थोड़ा सा बची थी आँच से पकेगी, इसके अंदर और कोई चीज़ नहीं शामिल करेंगे, तेल को ऊपर नीचे कर देंगे ताकि अच्छी तरह हो जाए। बस 5 या 7 मिनट में ये बिल्कुल तैयार हूँ। और ये मिर्ची बिल्कुल बिल्कुल तैयार हैं। थोड़ा सा मसाला इसका बाहर आ जाता है, लेकिन ये है कि मैंने बहुत अंदर भरा है मसाला। अब ये ठंडा करने के बाद मैं किसी जार में रख दूँगी। ये मिर्ची बिल्कुल ठंडी हो गई हैं, और इसको मैं एक जार में या किसी बाउल में हम रख देंगे। जैसे अचार बनता है बिल्कुल इसी तरह से है, ये ख़राब भी नहीं होता। ये इसके अंदर मैंने तेल कम डाला है, लेकिन बाज़ लोग जैसे अचार में तेल ज़्यादा पड़ता है इसी तरह ज़्यादा डालते हैं। और इसको हम इस तरह जार में करके और फ्रिज में भी रख सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा और बहुत ही मज़े की बनती है ये। उम्मीद है ज़रूर ट्राई करेंगे आप लोग।